हम um, जो इंसुलिन बना रहे हैं वो खर्चा जो दस महीना था वो सात कैंसर ड्रग जो है इट वॉज अबाउट टू लैक्स पर डोज और वो डोज आपको ट्वेंटी जो दस गुना महंगी दवाई थी आपने दो लाख को बीस हजार से कम कर दिया ये आपका स्वागत है मैं विवेक बिंद्रा CEO, बड़ा आज का दिन बहुत एक्साइटमेंट का है आपको अच्छा लगेगा जान के आप मिलने वाले मिस किरण शॉ हमारे देश में पांच सबसे शक्तिशाली महिलाओं में दुनिया की पच्चीस महिलाओं में इनका नाम आता है ऐसी दवाइयां बनाई जो एक कम से कम सौ करोड़ लोग जिसको खरीद सके किरण मजुमदार शो कौन है ये लगभग इकतीस हजार करोड़ का मार्केट कैप छह हजार करोड़ का टर्नओवर नौ हजार एम्प्लॉइज के साथ रिसर्च साइंटिस्ट लोगों के साथ मिलकर उन्नीस में पहली बार एक महिला ने ऐसी कंपनी बनाई जो पहली बार सबसे फास्टेस्ट बिलेनियर बनने का भी रिकग्नेशन इनको प्राप्त हुआ पद्मश्री पद्म भूषण इनकी अवार्ड की लिस्ट कम से कम दस पेज लग जाएंगे अगर मैं इनकी अवार्ड की लिस्ट आपको सुनाऊं किरण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद थैंक यू नमस्कार नमस्कार जी किरण जी के लिए थोड़ा मुश्किल है आपके लिए आज हिंदी में बात करना पर आप हमारी प्रोफेसर हैं बड़ा बिजनेस पे आज केवल आप चेयरपर्सन नहीं हैं और मैं चाहूंगा क्योंकि आपने एक बड़ी क्रांति लाई है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर और बिना किसी माता पिता के कोई धन संपत्ति आपको नहीं मिली और फर्स्ट जनरेशन आंतरपन्यर आपने खुद से ही किया आप बहुत यंग थी उस समय 1978 में पैसे पच्चीस साल की थी आप पच्चीस साल की थी और उस समय आपने काम शुरू किया 2004 में आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज गए आप लिस्ट हुए और वहाँ लिस्ट होते ही आप बिलियन डॉलर से ऊपर चले गए आज आप आ, मैं देख रहा हूं कि पांच बिलियन डॉलर से ज़्यादा पे आप हैं इस समय कंपनी में सिक्सटी परसेंट से ज़्यादा आपकी खुद की पर्सनल होल्डिंग है और आपने वो वो दवाइयां बनाई हैं जो एक आम आदमी खरीद सके सस्ते में मल्टी के छक्के छुड़ाए हैं आपने पर हम शुरुआत करना चाहते हैं आपकी जर्नी से ये नाइनटीन में क्या हुआ था और कैसे ये शुरुआत हुई तो अगर मैं मेरी जर्नी की शुरुआत में आपसे मैं डिस्कस करती हूँ तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक एक्सीडेंटल आंट्रप्रन्यर हूँ क्योंकि 1978 में मुझे नौकरी नहीं मिल सकती थी मैं तो ब्रूइंग डिग्री लेके मैं ऑस्ट्रेलिया से आई थी और उस टाइम में मुझे बहुत ही मुश्किल थी एक जॉब पाने में तो उसी टाइम में मुझे एक एक्सीडेंटल एनकाउंटर हुआ था एक आयरिश बायोटेक आंट्रप्रन्यर के साथ और उन्होंने मुझे बोला कि देखिए मुझे एक कंपनी शुरू करने मैं करना चाहता हूँ ये इंडिया में और मैंने आपके बारे में बहुत ही सुना है ऑस्ट्रेलिया से अगर आप मेरी पार्ट, पार्टनर बन सको तो मैं ये शुरू करूँगा ये इंडिया में तो मैंने उनको तो काफ़ी पहले ही बोला कि नहीं नहीं मैं आई एम नॉट द राइट पार्टनर क्योंकि मैं तो एक महिला हूँ मेरे पास पैसे भी नहीं है और मेरे पास बिजनेस एक्सपीरियंस भी नहीं है मैं तो सिर्फ नौकरी की शोध में हूँ तो उसी के लिए मैंने बोला नहीं नहीं मैं आपको काफ़ी लोगों से मैं इंट्रोड्यूस करूँगी लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि नहीं आई थिंक आंट्रप्रन्यरशिप इज़ अ वेरी एक्साइटिंग जर्नी एंड आई सी दैट यू हैव एन आंट्रप्रन्यरल स्ट्रीक तो आप क्यों नहीं कोशिश करती है ये कंपनी शुरू करने में तो उसी लिए मैंने सोचा कि ठीक है मुझे नौकरी नहीं मिल रही है और दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी तो उसी के लिए मैंने ये बायोकॉन शुरू किया 1978 में और आपने जैसे बोला उस टाइम देर वॉज ह्यूज रेजिस्टेंस टू तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हाँ और उस टाइम आपको याद होगा कि इट अ टाइम बिफोर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो यू नो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू इंपोर्ट एनीथिंग बहुत मुश्किल थी और उस वातावरण में मैंने ये कंपनी शुरू की और काफ़ी लाइसेंस राज था और विमेन तो बिजनेस की क्षेत्र में नहीं थी महिलाओं और उसी लिए बहुत ही कठिनाई थी जब मैंने कंपनी शुरू की 1978 में तो मैं 25 साल की थी मेरे पास सिर्फ बैंक में दस हज़ार रुपये थे मेरे पास और कुछ नहीं था कोलेट्रल नहीं था और उसके अलावा मैं एक नई क्षेत्र में मैं दाखिल करना चाहती थी विच वॉज़ बायोटेक्नोलॉजी कोई भी समझ नहीं सकते थे कि ये बायोटेक्नोलॉजी क्या है yeah. तो उसी के वजह से आई वॉज कंसिडर्ड हाई रिस्क हाई फाइनेंशियल रिस्क हाई एम्प्लॉयमेंट रिस्क तो आपको लोन मिलना भी मुश्किल, हाई बिजनेस रिस्क तो उसीलिए बैंक्स तो मुझे लोन देने में बहुत ही घबरा रहे थे कि हम ये तो बहुत ही फाइनेंशियल रिस्क है आ, अगर हमें हम उनको एक लोन दे तो क्या होगा यू you नो know, हमें वापस मिलेगा कि नहीं उनको तो बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं है वो उसको कोलेट्रल सिक्योरिटी भी नहीं वो नहीं दे सकती है वो एक बच्ची जैसी लग रही है और ये बायोटेक्नोलॉजी क्या है हमें पता नहीं है सो so, वो नहीं दे रहे थे तो महिला को बॉस मानना तो बहुत मुश्किल रहा होगा? जी जी बहुत ही मुश्किल रह, रहता था उस टाइम तो जब मेरे पास इंटरव्यू के लिए आते थे और मालूम होता था कि मैं अभी बॉस हूँ तो तुरंत वो बोल रहे थे कि नहीं हम देखेंगे पता नहीं हमको ये जॉब सूट करेगा या नहीं लेकिन उन उनके विचार के बारे में मुझे महसूस हो रहा था कि नहीं पुरुष प्रधान देश था हाँ जी और, और ये तो जॉब सिक्योरिटी नहीं देंगी मेरे हमको तो उस टाइम जॉब सिक्योरिटी की बहुत ही इम्पोर्टेंस थी तो उसी मुझे लोग भी नहीं मिल रहे थे यू नो एजुकेटेड और क्वालिफाइड लोग भी नहीं मिल रहे थे और बैंक से एक तरह हम मुझे फाइनेंस भी नहीं दे तो दे। पैसा भी नहीं था और मैन पावर भी नहीं थी जी और वही यंग महिला आज 31000 करोड़ का बिजनेस दुनिया की टॉप 3 ऑर्गेनाइजेशंस में आपका नाम इनकी अवार्ड्स के लिस्ट बहुत ही लंबी है और एम्प्लॉयर ब्रांड में भी हमने देखा कि आपको दुनिया भर के साइंटिस्ट आज आपकी कंपनी में काम करने की इच्छा रखते हैं जी तो ये आपकी कंपनी का कोर पर्पज है कि सस्ती दवाइयां बना दें तो एक तो मेरी जो कोर फिलॉसफी थी जब मैंने बायोकॉन शुरू की वॉज दैट ये कंपनी रिसर्च लेड बिजनेस होनी चाहिए okay. और ये कंपनी साइंटिस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए okay. तो वो फिलॉसफी से मैंने ये शुरू किया था तो आपने रिसर्च पे कितने साइंटिस्ट आपने रखे अपने साथ आज कितने साइंटिस्ट हैं आ, 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 आज तो हमारे पास देखिए हमारे पूरे कंपनी में आ, करीब बारह हजार एम्प्लॉज है okay. उसमें से आधे साइंटिस्ट है तो इतना हमारा पावर है पर इंडिया में लोग साइंस से डरते हैं नहीं मैं समझती हूँ कि वो अपॉर्चुनिटीज नहीं समझते हैं mm -hmm. लेकिन आ, हमारी देश में काफ़ी ज़रूर है साइंटिफिक रिसर्च की और टेक्नोलॉजी रिसर्च की और टेक्नोलॉजी लेवरेजिंग की mm -hmm. तो उसी मैं मुझे बहुत ही आ, अच्छा लगता है कि यू you नो know, मेरी ये जो आशा थी कि आई मस्ट गिव एम्प्लॉयमेंट टू साइंटिस्ट एंड टू रिसर्चर्स उसमें मैं बहुत ही कामयाब रही हूँ कामयाब रहे मैं दर्शकों को बता दूँ कि आपका जो मिशन है वो रहा है कि मैं ऐसी दवाई बनाऊं जो कम से कम सौ करोड़ लोग खरीद सकें ये आपका मिशन रहा है मैं जब आप शुरू में बोला कि आपने एम के छक्के छुड़ाए तो मैं जरा वो समझाना चाहता हूँ कि मल्टी नेशनल्स चाहती हैं कि थोड़े से लोगों को दवाई बेचें लेकिन बहुत पैसा कमा लें और आप चाहते हैं कि करोड़ों लोगों को दवाई बेचें थोड़ा थोड़ा मार्जन हो पैसा अपने आप सुरक्षित हो जाएगा ये विजन कैसे आया आपका क्योंकि मैं भारतवासी हूं और मैं समझती हूं कि ये हमारे देश में कितने प्रॉब्लम्स है हेल्थ केयर में अफोर्डेबल एक्सेस जो है हम जो कहते हैं इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया और सिर्फ इंडिया के लिए नहीं डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है तो उसी के बजाय से मैंने जब बिजनेस शुरू की थी ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में तो मैंने समझा उनकी जो मॉडल है इट इज़ अबाउट लो वॉल्यूम हाई वैल्यू मैंने बोला कि मैं उल्टा करती हूँ हाई वॉल्यूम लो वैल्यू उससे और लोगों को फायदा मिलेगा क्योंकि इस वेस्टर्न मॉडल से सिर्फ एफ्लुएंट लोग को फायदा होता है मैं समझता हूँ आपने कैंसर की दवाइयों को बहुत सस्ता कर दिया कुछ थोड़ा उदाहरण बताइए अगर आप देखते हैं इस दुनिया में दो तीन किस्म के डिजीज है जो बहुत ही बहुत ही महंगी डिजीज है एक तो है डायबिटीज और दूसरी है कैंसर अभी डायबिटीज की दवा अगर आप देखें तो रोज की खर्च जो होती है इट इज अ क्रॉनिक डिजीज तो लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है दवाई उसकी जो डेली कॉस्ट है इट इज एटलीस्ट यू नो 50 टू रुपीस रुपीज डे वो जो कॉस्ट होती है और अगर आप इंसुलिन उसकी कॉस्ट देखते हैं अभी डेवलप्ड वर्ल्ड में वो पांच डॉलर पर डे होता है hmm. तो मैंने सोचा कि इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड अगर इतनी खर्च होती है लोगों को तो वो कैसे मैनेज करेंगे अब डायबिटीज okay. तो उसी लिये मैंने इंसुलिन से शुरुआत की थी okay. कि अस मेक अ लो कॉस्ट इंसुलिन hmm. अभी उस इंसुलिन बनाने में अभी हमें बहुत ही कामयाबी हुई है hmm. और एक्चुअली लास्ट मंथ मैंने यूनाइटेड नेशंस की एक फोरम पे मैंने डिक्लेयर किया कि हम बायोकॉन अभी हम जो इंसुलिन बना रहे हैं हम वी विल गिव इट एट सेंट्स अ डे उसका मतलब है सात रुपये डेली खर्चे के लिए हम इंसुलिन दे सकते हैं अभी. वो खर्चा जो दस हजार रुपया महीना था वो सात रुपया प्रतिदिन रह गया जी तो वो ही हम कर सकते हैं अभी इन दैट सेम लाइन अगर आप कैंसर ड्रग्स देखें तो वो तो बहुत ही बहुत ही महंगे हैं। अभी एक ब्रेस्ट कैंसर ड्रग जो है जिसका जेनरिक नाम है ट्रास्टूजोमैप जो लोग हरसेप्टिन से जानते हैं उसका कॉस्ट जो था इंडिया में हुँ। पहले इट वाज अबाउट टू लैक्स पर डोज और वो डोज आपको इट यूज टू कॉस्ट एनी वे बिटवीन ट्वेंटी टू फिफ्टी लैक्स अयर अभी आप सोच लीजिए कितने लोग वो अफोर्ड कर सकते हैं मकान बिक जाएगा घर बिक जाएगा तो हमने सोचा कि चलिए हम लोग एक बायोसिमिलर ट्रास्टिजुम ऐप बनाते हैं नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट फॉर द वर्ल्ड और उस टाइम जो था बायोसिमिलर्स की अंडरस्टैंडिंग uh, थोड़ी होने लगती थी लगी थी और हमने सोचा ये अच्छा क्षेत्र है कोई भी नहीं देख रहा है तो हम उसमें हम कुछ ध्यान है। करते हैं तो हमने बायोसिमिलर ट्रास्टिजुम ऐप जब हमने डेवलप की थी इंडिया के लिए तो हमने दो लाख से हमने इमिजिएटली पचास हज़ार को हमने टच uh, uh, कर लिया और अभी उसकी की जो प्राइस है वो हजार से भी नीचे है हां आई तो मतलब ने 1/10th तो 1/10th हमने कर दिया है जो 10 गुना महंगी दवाई थी आपने दो लाख को हजार से कम कर दिया तो so so अभी काफी पेशेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं वी हैव एक्सपेंडेड द एक्सेस टू ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स मोर देन 10 गुना 10 गुना से ज्यादा हमने एक्सपेंड uh, कर दिया है ये एक्सेस टू दिस मेडिसिन और ये तो लाइफ सेविंग मेडिसिन है बहुत खूब बहुत अमेजिंग सर्विस कंट्रीब्यूशन हमारे देश के लिए किरण मजुमदार शॉ जी का जो कंट्रीब्यूशन है आज लाखों लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे और आ, आपका हमारे चैनल पे आना ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और मेरे साथ क्योंकि इस समय एक करोड़ सब्सक्राइबर है और एक आम जनता हमारे साथ में जुड़ी हुई है तो वो मैं चाहता था कि आपके विषय में जाने कि कैसे एक महिला 1978 में छोटी उम्र में बिना पैसे के बिना मैन पावर के साथ बिना एक्सपीरियंस के नौकरी ना मिलने के कारण बेरोजगारी के कारण इस व्यापार में आई और आज इकतीस हजार करोड़ का एक बिजनेस शुरू किया या बिजनेस एस्टेब्लिश किया अब जानना चाहेंगे कि ये किया कैसे वो क्या स्ट्रेटेजी थी जो किरण जी ने इंप्लीमेंट करी स्टेप्स क्या थे और आपके लिए इंपॉर्टेंट लेसन क्या है बड़ा बिजनेस मोबाइल एप्लीकेशन पे आइए अपने बोर्ड लाइन नंबर पे फोन करिए नाइन एट वन जीरो फाइव डबल फोर डबल फोर थ्री और चेक करिए कि आप कैसे किरण मजुमदार शो जी से मिल सकते हैं शीलार प्रोफेसर जो आपको ऐप आप में और स्ट्रेटेजीज बताएंगी आप ऐप पर आइए और वहाँ के और लेसन सीखिए अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगाओ लाइक जरूर करिए और एक रिक्वेस्ट करूंगा जरूरी रिक्वेस्ट है आपके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं इनके बारे में पूरे देश को पता चलना चाहिए जो लोग अभी भी बच गए हैं जिनको नहीं मालूम मैं जानता हूं कि आपके बारे में देश में बहुत लोग जानते हैं पर क्योंकि एक आम आदमी तक ये खबर जानी चाहिए कि कैसे दो लाख रुपया की दवाई को बीस हजार रुपया से कम करने वाली किरण मजुमदार शॉ जो पद्मश्री पद्म, पद्म भूषण है उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे देश में महिलाओं को और उत्साह मिलेगा और एनर्जी आएगा और ताकत आएगा हमें और किरण जी चाहिए अपने देश के अंदर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियोज को हर शेयर करने के लिए कॉमेंट बॉक्स में अपनी फरमाइशें बताते रहने के लिए आप सबका प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद